थोड़ा था जब पीछे धन्यवाद सभी लोगों का जो प्रेस के साथ थे हमारे यहाँ पे आए। ये जो चार दिन का पूरा प्रकरण लखीमपुर खीरी का जो हुआ है, पीछे हटो फिर आप। ये जो घटना यहाँ पे हुई है उसमें आज लास्ट टू थाउजेंड का अंतिम संस्कार करवाया और दोबारा पीएम हुआ एक बॉडी का, उसकी क्या रिपोर्ट आई होगी वो पूर्ण रूप से अभी बंद है और अधिकारी के पास में होंगे। लेकिन जो भी समझौते हुए उसमें फिर मंत्री का एक बयान आया कि हमारा और किसानों का समझौता हो गया। किसका बयान आया? किसी मिनिस्टर का बयान आया, वो शायद आपके पास में आ जाएगा, अभी आज नहीं होगा तो आ जाएगा, कि हमारा किसानों का समझौता होगा। अमित पात्रा ने प्रेस की, उन्होंने कहा है। हाँ, किसने भी कहा है, हमारा पैसों पर समझौता नहीं है किसान का। अगर सरकार पैसों पर समझौता करना चाहती है तो अपना अकाउंट नंबर बता दे, जो पैसे दिए हैं वो पैसे हम उसके सरकार को वापसी दे देंगे। हमारा समझौता इतना था कि इनका दाह संस्कार हो जाए, हम बॉडी पे कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हमारा है, क्योंकि उसमें बहुत सी सिचुएशन आती है। अधिकारियों ने और जो हमारे किसान संगठन के लोग थे उन्होंने, जो परिवार के लोग थे, उन सब लोगों की सहमति से जो भी निर्णय हुआ सबकी सहमति से निर्णय हुआ। करीब 10,000 से ज्यादा लोग वहां पे परसों भी मौजूद थे दो दिन पहले, और हालात क्या थे उसको देखते हुए ये हुआ। सरकार ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है, तो जो मंत्री हैं बगैर उसके इस तरह के बयानबाजी ना करें कि समझौता हो गया और पैसे पर समझौता हो गया। हमारा समझौता है भारत सरकार का जो होम मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, जिसने कर्मकांड करवाया है। हमारा समझौता है कि उसका लड़का जो टंडी टंडी है उसका लड़का गिरफ्तार हो, और इसमें एक हफ्ते का टाइम है, पुलिस प्रशासन ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है। जिस दिन यहाँ पे भोग रसम पगड़ी होगी, जो भोग होता है वो होगा, उस दिन हम कड़ा निर्णय यहाँ पे देंगे। गलत तरह की बयानबाजी वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। एक ये फैसला हुआ है, अधिकारी वहां पे थे, सब लोग वहां पे मौजूद हैं। फैसले में ये भी है कि एक हफ्ते में गिरफ्तारी होगी, नहीं तो हम पूरा कड़ा निर्णय पूरे देश भर के लिए सख्त निर्णय हम लेंगे, ये हमारा फैसला है। उस कड़े निर्णय में क्या कर सकते हैं, क्या बता दी कड़े निर्णय में क्या निर्णय? संयुक्त मोर्चा आएगा, सब लोग यहाँ पाएंगे, और जब यहाँ भोग होगा और उनका भी चारों लोगों का एक ही जगह वो रखा जाएगा, अंतिम अरदास, अंतिम जो अरदास होगी वो एक ही जगह होगी चारों की। अब अपने घर पे जो रसम वो उनको प्रोग्राम करना है वो कर लेंगे, और जो अंतिम अरदास होगी वो यहाँ की जो कमेटी है वो तय कर लेगी कि किस जगह उसका प्रोग्राम रखा जाएगा, कौन सी डेट होगी। सरकार को उस तक का ही टाइम है, ये आंदोलन यहाँ से आंदोलन स्थगित नहीं करा, सिर्फ उनकी जो अंतिम संस्कार था वो हो जाए, वो हो गया। आज से पुलिस प्रशासन अपने काम पर लग जाए, हमको अंतिम अरदास तक हमको रिजल्ट चाहिए। नहीं नहीं, हम आज चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम उसी दिन यहाँ पाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गृह मंत्री, अरे क्यों नहीं गृह मंत्री, अगर अभी मुकदमा तो नहीं हुआ गृह मंत्री, नहीं नहीं उसमें 120 बी में है, 120 बी में मुकदमा है।
छेड़खानी कुछ नहीं होगी, जो हमने दिया है और जो उन्होंने हमको दे दी कॉपी उसमें कोई छेड़खानी ना करें, वो सब मीडिया को उसको यहाँ से नेट नहीं चल रहे, नहीं तो सब मीडिया को उसको वो दे दिया हमने यहाँ पे भी हमको। जी एक सवाल आपसे है, बताओ जी, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हाँ जी, 8 लोग मारे गए, हाँ जी, उस एरिया को ना तो बंद किया गया पुलिस द्वारा, ना वहाँ फोरेंसिक टीम गई, ना वहाँ के सबूत दिए गए, ना वहाँ की मिट्टी ली गई, तो इतनी बड़ी जो असावधानी हुई है इसके बारे में आपको क्या कहना है? भाई इसके बारे में तो बताएगी सरकार, हमें नहीं इसके उसमें, सरकार बताएगी, अधिकारी बताएंगे। अच्छा दूसरा बड़ी चर्चा थी आप लोगों की कि किसी के गोली लगी है, पीएम में गनशॉट इंजरी नहीं आई है, तो आप इस बारे में गोली बताएगी, जो उसकी रिपोर्ट है वो बताएगी, गोली वहां पर चली, चलती हुई सबने गोली देखी, और आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी गोलियों की आवाज है। वो डॉक्टरों की टीम ने करा होगा, लगी नहीं होगी, वो उसकी जो टीम है वो बताएगी। हम पूर्ण रूप से उनपे जो डॉक्टर है उस पर पूरा विश्वास है। 5 लोगों की वहां पर डेथ हुई जो किसान थे, हम पंचू के घर गए, पंचों को पूर्ण रूप से मुआवजा मिले, उनको नौकरियां मिले, उनकी जो जांच है वो हो और इनकी गिरफ्तारी हो, किसी दूसरे आदमी की रिपोर्ट दर्ज ना हो, ये भी उसमें है, क्योंकि बदमाश थे, खुखार वाले बदमाश थे जो आदमखोर हो जाते थे, वो दूसरे लोग भी थे आदमखोर, जिसको शायद सर रिपोर्ट दर्ज हो गई है शायद उधर से भी। हमारा पूर्ण रूप से उस पर एतराज है सरकार का, उस दिन ये बात हुई थी कि रिपोर्ट दर्ज और की नहीं होगी। चार लोगों को यानी पांचवा जो वो किसान है जो कश्यप था और पत्रकार भी है, उसको पत्रकार कहते हैं लेकिन वो किसान था, वो एक अपना दूसरा व्यवसाय करता था, किसान है वो, और उसकी भी डेथ गाड़ी की टक्कर लगने से, उसके नीचे घिसने से उसकी डेथ हुई। साहब एक सवाल चाहिए, हाँ बताओ, जैसे कि बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का माना, जैसे खालिस्तानी आतंकवादी के नारे लगाए गए मीडिया में आ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो प्रक्रिया होगी क्या है, वहाँ पे कोई नारे इस तरह के नहीं लगे, ना वहाँ पे किसी की दूसरे की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, उसका कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ, 3 गाड़ियों से वहाँ पे उनको कुचलने का काम करा गया, वहाँ नारे किसके लग रहे थे, वहाँ तो किसी के लोग बचाने का अपना रास्ता नहीं था। वीडियो में दिखा रहे हैं 3 मार के आती है आतंकवादी है, उपद्रवी है, खालिस्तान के, किसी बच्चे की वो शर्ट है जी, वो चलो पीछे बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, फोटो वाले का। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। एक और सवाल बताओ कि जो पीट पीट के मारे गए भाजपा कार्यकर्ता, तो क्या नहीं?